सो हे गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत 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 बढ़िया होंगे। तो अभी हम लोग तैयार हो चुके हैं और मंदिर भी पहुंच चुके हैं। यहाँ पे होगी पूजा, तो कर लेते हैं इंतज़ार थोड़ा सा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं शक्ति माई के मंदिर, जो कि है आगे, और हम लोग हो चुके हैं गंगा घाट से नहा धोकर के हम लोग तैयार। पीछे घूम लीजिए। अब हम लोग जा रहे हैं खेतों के बीच से मेड़ पे से। देख सकते हैं मम्मी में गांव का मजा लेते हुए, और पीछे ये आयुष यहाँ का बड़ा बहुत मान्यता है ना, पता नहीं कौन सा कहानी बता रही है। कोई सांप किसी को काटा अपने खानदान के। देखो क्या हुआ था, वही जो बता रही थी, चीज नहीं होता है। हाँ, इन्हीं के आदमी के साथ काट लिया था। ये हमारे इष्ट देवता का मंदिर शक्ति माई का, जो हमारे घर की पूर्वज है ना, मम्मी पूर्वज हैं। तो अभी हम लोग यहाँ आए हैं पूजा करने के लिए। दिखाते हैं आपको मंदिर, यहाँ मम्मी बैठी हुई हैं। और बनारस में ही हमारा मेन गांव है, जो हमारा मेन मतलब मम्मी का जो मेन ससुराल माना जाएगा वो बनारस ही माना जाएगा। गाजीपुर करंडा। तो जो बाघापार में है वो मम्मी का दूसरा ससुराल है, लेकिन मेन वाला ये करंडा वाला है। और यहीं पे है दूसरा नहीं, निवासा है, नाना के घर में निवासा है, मतलब दूसरा ही माना जाएगा। ये सब मेन तो यही है ना, वो नाना के घर का। तो अभी आपको दिखाते हैं हम शक्ति माई का मंदिर। शक्ति माई के मंदिर की मान्यता है कि तीज के दिन इनके जो पति थे उनको सांप ने काट लिया था, जिसकी वजह से वो उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इन्होंने ये खुद भी अपने आप को सती कर ली थी, और जिसके बाद से इनकी मान्यता मानी गई कि यहाँ पर आकर के जो भी कोई मन्नत मांगता है वो पूरा होता है। और ये जितने लोगों को आप देख रहे हैं, ये सबकी जितनी मूर्तियाँ आप देख रहे हैं, ये सब लोग अपने अपने पति के लिए सती हुई हैं यहाँ पर। और ये हमारी हैं शक्ति माई। तो आज हम इन्हीं की पूजा के लिए आए हैं यहाँ पर। तो दिखाते हैं आपको आगे की पूजा का पूरा। यहाँ पर पापा आ गए हैं दादी लोगों को लेकर के पूजा करने के लिए। जैसे जैसे दादी लोग बताएंगी, जैसे जैसे जिस जिस विधि से, वैसे वैसे करेंगे हम लोग पूजा। हम, मेरे पतिदेव, भैया और भाभी, हम चारों लोग करेंगे पूजा। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अभी सबसे पहले हम पूजा करने के लिए शक्ति माई को और भैरव बाबा को स्नान कराएंगे, उनके साफ़ सफाई करेंगे, उसके बाद से हम करेंगे पूजा। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं साफ सफाई, स्नान करा देते हैं उन्हें। यहाँ पे जो करना था हमें और भाभी को ही करना था, क्योंकि घर की हम बहुएं थे और नई बहुएं थे, तो हम ही लोगों के लिए पूजा थी यहाँ पे। तो हम और भाभी दोनों लोग अपना काम कर रहे थे यहाँ पे। तो ये जो शक्ति माई हैं, ये हमारे ही घर की हैं, हमारे घर की पूर्वज हैं, कुलदेवी हैं, जिनकी पूजा के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। तो हमारे घर की मान्यता है कि जैसे बेटे की शादी हो, बच्चे का मुंडन हो, तो यहाँ पर हम ज़रूर आते हैं। तो हमारी शादी के बाद से हम आ नहीं पाए थे, तो हम लोग अभी आए हैं पूजा के लिए। तो अभी हम, मेरे पतिदेव, भाभी और भैया, हम चारों लोग करेंगे पूजा, क्योंकि दोनों की शादी हुई और मंदिर नहीं आ पाए थे। तो हम लोग करेंगे पूजा। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे स्नान करा देते हैं और फिर आगे की तैयारी करते हैं। क्या कर रही हो? पूजा करेंगे।
तो यहाँ पर हम सती माई को स्नान करा दी हैं और अब हम उनको तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम लगाएंगे उन्हें सिंदूर, और जो हमारे पति देव लोग हैं वो भैरव बाबा को रोली का टीका लगाएंगे, और जो हम सिंदूर सती माई को लगाएंगे वही सिंदूर हम खुद भी अपने आप को भी लगाएंगे। तो अभी यहाँ पे तैयार कर देते हैं सती माई को और लगा देते हैं उन्हें सिंदूर। तो यहाँ पर जैसे जैसे सब लोग बता रहे थे और जिस जिस विधि से हम वैसे वैसे पूजा कर रहे थे, क्योंकि गांव का एरिया था और हम लखनऊ से पूजा के लिए यहाँ पर आए थे तो पंडित जी तो मिल नहीं पाए थे। तो जैसे जैसे दादी लोग बता रही थी वैसे वैसे हम लोग विधि से पूजा कर रहे थे, क्योंकि जब भी यहाँ पर पूजा होती है तो दादी लोग यहाँ रहती हैं, तो वो हमें जैसे जैसे बता रही थी हम वैसे वैसे पूजा कर रहे थे। भैया नजदीक आओ, नजदीक आओ दोनों। तो यहाँ पर सती माई की पूजा करने के बाद से हम इधर पूजा करने के लिए आ गए हैं, जो बाकी देवी देवता हैं यहाँ पे हम उनकी पूजा के लिए आए हैं। तो हम सभी को सिंदूर, प्रसाद, रोली और अक्षत, ये सारी चीज़ों से हम पहले उनको भेंट कर रहे हैं और उसके बाद से फिर हम आगे करेंगे हवन। तो यहाँ पर हम चारों लोग मिल कर के कर रहे हैं सभी की पूजा। तो यहाँ पर हमने सती माई को साड़ी भेंट किया है और अभी हम यहाँ पे दीपक जलाएंगे, दिया अगरबत्ती जलाएंगे, पूजा करेंगे, इनकी पूजा अर्चना करेंगे। तो यहाँ पर अब हम करने जा रहे हैं हवन करने की तैयारी। तो यहाँ पर हवन कुंड में हमने आम की लकड़ी, घी डाल करके और अग्नि प्रज्वलित किया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पंडित जी हमें मिल नहीं पाए थे क्योंकि गांव का एरिया था, और सुबह ही हम पहुँचे और तुरंत हम यहाँ पे गंगा स्नान करके मंदिर में आ गए पूजा के लिए। तो हमें पता नहीं था, बहुत टाइम के बाद से आए थे यहाँ पे, पता नहीं था पंडित जी कहाँ मिलेंगे, कैसे बात हो पाएगी उनसे। तो पंडित जी मिल नहीं पाए थे तो हम फ़ोन में ही हवन का मंत्र लगा करके और हमने अग्नि देवता की पूजा की, अर्चना की हम चारों लोगों ने, हम, मेरे पति देव, भैया और भाभी। Oh, yeah.
तो यहाँ पर हमारा हवन संपन्न हो गया था और अब हमें करना था परिक्रमा। तो यहाँ पर हम चारों लोग कर रहे हैं परिक्रमा, जो कि हमें 7 बार की परिक्रमा करनी थी। और परिक्रमा के साथ ही साथ हमारी यहाँ की पूजा भी होती है संपन्न, जो कि ये बहुत ही अच्छी तरीके से संपन्न हुआ। तो अब हम जा रहे हैं यहाँ से दादी के घर पे। तो ये हम पहुँच चुके हैं दादी के घर, और ये एकदम गांव वाला घर है जैसे पहले के ज़माने में होता था। और यहाँ का यहाँ पर आते ही हमने संभाल लिया अपना किचन। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ चाय सबके लिए। फुल टू बहू वाली फीलिंग आ रही थी वहाँ पे, लखनऊ में तो ऐसी फीलिंग आती नहीं है। गांव में जाकर के फुल एकदम प्रॉपर बहू वाली फीलिंग आ रही थी, घूंघट सर से ओढ़ना और गांव का जो जो चीज़ें थी वो तो थी ही। तो मज़ा भी आ रहा था, अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि मुझे वैसे भी गांव बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर खुला खुला ऐसा घर हो तो मुझे गांव बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। बुआ ने कितना बिस्कुट लेके बैठी है। खाली मन पानी पिया तो यहाँ पे दादी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, बार बार सामान ला के दे रही थी, उठ रही थी, परेशान हो रही थी, ये ले लो ये ले लो ये ले लो। और हम लोग बार बार उन्हें बैठा रहे थे कि अब जाके बैठिए, लेकिन मानने को तैयार नहीं थी वो। बार बार बेटा ये ले लो, बेटा ये ले लो। अच्छा भी लग रहा था, मज़ा भी आ रहा था, और सबसे घुल मिल के ऐसे बातें हो रही थी तो वो और ज़्यादा अच्छा लग रहा था। शुगर है दादी, शुगर है इनको। शुगर है, सबको शुगर है, इसलिए मीठा नहीं खाता। मैं भी नहीं खाता यार, शांति तो जानती है सब कुछ। औरों के लेते हैं उनके लिए। नहीं, शुगर है क्या बुआ? दादी शुगर है क्या? हाथ का नहीं कर नहीं मैं नहीं खाता यार, नहीं नहीं। क्या बनाऊं? अदरक कूट रही है चाय बनाने के। इधर देखो, इधर देखो। अरे माँ तो बैठी हो। अरे माँ कर रही है। मिल गया दादी, काहे पर कहां से लेके कूटे वाला? अरे दादी सीन है ना, ना चौकी पे गिरे, चौकी पे। अच्छा दादी बैठिए आराम से, हम टेंशन मत करी। दादी के बेटा अच्छा है। हम लोग कौन कौन कदम पे हैं? नहीं हम कह रहे हैं हम लोग कौन नंबर पे हैं, कौन से वाली कितने नंबर वाली बहू है? छोटी वाली। हाँ हम तो हैं छोटी वाली, मतलब हम ये कह रहे हैं आप बोली कि 10 पतो है आपके, तो हम लोग 11वें नंबर वाले हैं। 4 पतो है, 6 बिटिया। अच्छा 6 बिटिया है, 4 पतो है। अच्छा आप तो हम लोग तो हम लोग भी तो बिटिया ही है। वही बतिया अरे तरह 4 पतो है, सब कहां है? 4 है, 4 वाले ये दूसरे बंबई है, छत्तीसगढ़ है, बंबई। यहां अरे ये। और उसके बाद से फिर हम निकल गए दादी के यहाँ से आगे अपने सफर पर, यानी कि मामा घर जाने के लिए। रास्ते में गांव के खेत के हरे चने खाते हुए सेम नंबर
सो एज यूजुअल हमेशा की तरह ये दोनों भाई मिलकर के मुझे चिढ़ा रहे थे, छेड़ रहे थे, और इसी के साथ हमारा हरा चना खाते खाते हमारा ये चना भी होता है यहीं पे ख़त्म और मेरा ब्लॉग भी होता है यहीं पे ख़त्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। टाटा, बाय बाय।